गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन भूगोल समकालीन भारत नंबर एक, इसका लेसन नंबर फाइव। इससे पहले हमने इसके चार लेसन कंप्लीट कर दिए थे, इसके क्वेश्चन भी कर दिए थे। आज हम पांचवा लेसन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर जरूर करो। आओ अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल घर या आसपास के मैदानों में भली भांति के वृक्ष झाड़ियाँ घास तथा पक्षियों को देखा है? वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। यानी जो हमारा जो भारत का जो मैदान है वो अलग अलग तरह का, अलग अलग के वहाँ पर पेड़ पौधे घास वनस्पति पाई जाती है और उन जंगलों के अंदर अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी भी रहते हैं। तो ये सारे कुछ मिलकर क्या बन जाता है? एक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी बन जाते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे इसके अंदर पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में पौधों का लगभग 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न है, शैवाल है, कवक है आदि पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी के अंदर पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। आगे आता है धरातल भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत पठार मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे आती है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा, कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे आता है जलवायु। जलवायु का भाग आता है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है, उन्हें चेंज कर देती है। आगे आता है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को की अपेक्षा सघन वन पाई जाती है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम होता जा रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में कुल बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्भीर क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भाग भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। आगे आता है वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो इस प्रकार है। नंबर एक, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर दो, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। नंबर 4 पर्वतीय वन। नंबर 5 है मैग्रो वन। नंबर 1 पे आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट के तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एक साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले तक होते हैं क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन सारा साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम में और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। आगे आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है, जिनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिल सकती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी प्रदेशों या पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों के लिए पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ करने के लिए किए गए हैं और कुछ भागों में पशुचालन भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहीं पाए जाते हैं। आगे आते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकाशिया खजूर नाम यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती है। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप ही पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये क्षेत्र लगभग रेगिस्तान के अंदर ही पाया जाता है। तो ये था आज तक हमारा वीडियो, पेज नंबर 47 तक हमने पढ़ दिया है। आगे आएगा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इतना पढ़ना है और इसको याद करना है। एक बार बढ़िया ढंग से धन्यवाद।